रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। पटना की कॉलेज गर्ल और सीतामढ़ी के स्कूली छात्र की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा का विषय है, और वो भी क्यों ना, दोनों ने काम ही कुछ अनोखा किया है। पटना की रहने वाली कॉलेज छात्र और पुपरी के स्कूली छात्र के बीच फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई और फिर लड़की स्कूली छात्र से मिलने सीतामढ़ी पहुंच गई। इस दौरान धीरे धीरे दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई। कॉलेज गर्ल छात्र से मिलने को पटना से आए दिन सीतामढ़ी जिले के पुपरी पहुंचने लगी और दोनों की प्रेम कहानी जो थी वो चर्चा का विषय बन गई। प्रेमी युगल प्यार में दीवानगी की सारी हदें पार कर दिए। दोनों के बीच रोचक मोड़ तब आया जब स्कूली छात्र से कॉलेज गर्ल का दिल भर गया, लेकिन नाबालिग लड़का फिर भी उसको दिलोजान से चाहता रहा, लेकिन लड़की अब उससे दूर हटना चाह रही थी। मामला आगे बढ़ा तो लड़की ने लड़के पर केस दर्ज करा दिया। स्कूली छात्र के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस बात की जानकारी होने पर उन लोगों ने लड़की पर केस दर्ज कर दिया। दोनों के फिर मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। फिर जो हुआ जान करके सब लोग चौंक गए। लड़का नाबालिग निकला जबकि लड़की को पुलिस ने जेल भेज दिया, वहीं लड़की को सुधार गृह भेजा गया। अब जो सूत्र बताते हैं कि नाबालिग लड़की को युवती ने अपने चंगुल में फंसा करके आए दिन उसको गायब कर दी थी और उसको लेकर के छात्र के घर वाले काफी परेशान थे। इस संबंध में नाबालिग लड़की की मां ने डुमला कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तो वहीं लड़के की फैमिली वाले की बात करें तो उनका कहना है कि लड़की छात्र को लेकर के, यानी कि उनके बच्चे को लेकर के इधर उधर घुमा करती थी। उन्होंने थक हार कर प्राथमिकी दर्ज की है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो पूरा का पूरा मामला है काफी सीरियस है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो फिलहाल इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।